दोस्तों, क्या होता अगर नेपाल इंडिया का एक स्टेट होता? तो इंडिया में आखिर इसका क्या स्टेटस होता और क्या यह इंडियन स्टेट्स को कम्पीट भी कर पाता या फिर नहीं? आइए दोस्तों जानते हैं। तो गाइस, यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक यानी फिक्सीशियस है और केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है। तो नेपाल वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट सेक्शन में गालियां मत देना। तो गाइस, शुरुआत करते अपने वीडियो की बिना किसी देरी के। तो गाइस, प्रेजेंट टाइम में नेपाल साउथ एशिया में स्थित हिंदू मेजोरिटी वाली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। अगर दोस्तों नेपाल इंडिया का एक स्टेट होता तो इंडिया में 28 स्टेट्स की बजाय 29 स्टेट्स होते और हो सकता था कि नेपाल की कोई सिटी इंडिया की यूनियन टेरिटरी भी होती, यानी कि इंडियन यूनियन टेरिटरीज के नंबर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता। नेपाल का एरिया 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर का है और अगर यह इंडिया का कोई स्टेट होता तो यह छत्तीसगढ़ से बड़ा और उड़ीसा से छोटा होता और इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट होता इन टर्म्स ऑफ एरिया। साथ ही साथ इंडिया के इंटायर एरिया में भी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हो जाता। नेपाल की पॉपुलेशन 3.1 करोड़ पीपल है। इंडियन स्टेट से कंपेयर किया जाए तो पंजाब की पॉपुलेशन के इक्वल और यह इंडिया का 15th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होता, हेड ऑफ पंजाब एंड आफ्टर आसाम। आफ्टर दैट नेपाल की नेशनल कैपिटल काठमांडू इसकी स्टेट कैपिटल बन जाती, साथ ही यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करनी पड़ती। यहाँ के नेशनल सिंबल इसके स्टेट सिंबल में तब्दील हो जाते। अब नेपाल को ट्रेड करने के लिए इंडिया को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बल्कि नेपाल के पास भी दूसरे इंडियन स्टेट्स की तरह ही स्टेटस होता। इकोनॉमिकली देखा जाए तो नेपाल की नॉमिनल GDP 46 बिलियन डॉलर्स की है और ये इंडिया का 19th रिचेस्ट स्टेट होता, जस्ट बिहाइंड ऑफ उत्तराखंड। आफ्टर दैट नेपाल का पर कैपिटा $1,483 का है और ये एक लो GDP पर कैपिटा वाला पुअरेस्ट स्टेट होता। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज होती नेपाली एंड मेजर रिलीजन तो हिंदुइज्म ही होता एंड नेपाल का लिटरेसी रेट 76% का है और ये इंडिया का 20th मोस्ट लिटरेट स्टेट होता और ये मीडियम HDI वाला स्टेट भी होता। इसके बाद नेपाल के व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स में आपको NEP देखने को मिलता। नेपाल की सारी मिलिट्री इंडियन मिलिट्री में मर्ज हो जाती। इंडिया की नेशनल बॉर्डर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता। माउंट एवरेस्ट साथ ही दुनिया की ऊंची ऊंची पहाड़ियां एंड हेरिटेज साइट्स इंडिया में शामिल हो जाती। इंडिया चाइना की मेनलैंड के काफी करीब पहुंच जाता और इंडिया की बॉर्डर्स में भी हिल एरियाज के आने से स्ट्रॉन्गनेस आ जाती। नेपाल के इंडियन स्टेट बनने पर इंडिया के एरिया में 4.3%, पॉपुलेशन में 2.2% एंड GDP में 1% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता। एज अ कंट्री नेपाल दुनिया एंड साउथ एशिया के मैप से गायब हो जाता और साउथ एशिया में 8 की बजाय केवल 7 देश ही देखने को मिलते। तो गाइस, यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा नेपाल अगर भारत का एक राज्य होता तो क्या होता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।